दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं और उसमें जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है और इसके लिए हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ऐप क्लोनर और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों सिंपल से इस एप्लीकेशन जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह कुछ इंटरफेस आता है। तो चलिए यह एप्लीकेशन का जो है थोड़ा सा इंट्रो है फिनिश करते हैं। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जिसको क्लोन बनाना है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर सर्च बार है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो कि वीडियो एडिटिंग का है, पावर डायरेक्टर, इसको सर्च करते हैं एंड इसका जो है एप्लीकेशन का मॉडिफिकेशन करके एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं। तो हम इसको जो है एक मॉडिफाई करेंगे और इसी एप्लीकेशन का, ये जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन का एक क्लोन एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, नया एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुछ ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ आपको और इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन के जो भी बेसिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेम से। सो देखिए यहाँ पे नेम के ऑप्शन में आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, उसका नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं और एक नया नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पावर डायरेक्टर 2 इसको मैं नाम देता हूँ एंड यहाँ पे ओके करता हूँ। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लोन नंबर। सो क्लोन नंबर बेसिकली यहाँ पे इस एप्लीकेशन के आपको कितने सारे क्लोन बनाने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे एक ही क्लोन बनाएंगे। सो यहाँ पे हम नंबर 1 ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे। सो यहाँ पे आपको कुछ आइकन लॉन्चर जो आइकन के मॉडिफिकेशन करने वाले फीचर है वो मिल जाते हैं। सो इस एप्लीकेशन के आइकन में क्या क्या चेंजेस करने हैं आप यहाँ से इन फीचर्स की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे चेंज कलर। सो यहाँ पे आप आइकन का जो चेंज कलर कर सकते हैं, यानी कि इस आइकन में आप यहाँ पे कुछ कलर वगैरह यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ह्यू सैचुरेशन आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सो इसको अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको ओके। सो इसको हमने थोड़ा सा कलर इसका जो चेंज कर दिया है ओके। अभी हम इसको ओके करते हैं एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप आइकन। सो इसका जो एप्लीकेशन का जो आइकन है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। सो चलिए इसको करते हैं ऑन। एंड यहाँ पे है रोटेट आइकन। सो आप इस जो एप्लीकेशन है उसका आइकन रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एड वेज। सो इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन पर आप बैज वगैरह लगा सकते हैं, इस तरह से कोई भी नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस आइकन। सो रिप्लेस आइकन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन का जो आइकन है किसी अदर एप्लीकेशन के आइकन से चेंज कर सकते हैं और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप किसी अलग एप्लीकेशन का जो आइकन है वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आइकन पैक के लिए। सो आइकन पैक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो आइकन पैक में जो भी आइकन्स होते हैं वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोड इमेज। सो लोड एन इमेज क्लिक करके यहाँ पे आप अपने फ़ोन में जो भी गैलरी में जो भी जो फोटोज़ होती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए यहाँ पे आइकन को चेंज करने वाले मोड्स। सो अपन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मोडिंग। सो मोडिंग में आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि डिस्प्ले, प्राइवेसी, स्टोरेज, लॉन्चिंग ऐप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ यूजफुल बताता हूँ जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस। तो डिस्प्ले ऑप्शन में सबसे पहले आप यहाँ पे जो है स्टेटस बार, नेविगेशन और टूल बार को भी जो इसको कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है रोटेशन के लिए है। सो रोटेशन आपको चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट पे ही है और आप इसको लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट करना चाहें, जैसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कि लैंडस्केप मोड पे ही इनेबल होते हैं तो आप उन्हें पोर्ट्रेट कर सकते हैं और पोर्ट्रेट वाले एप्लीकेशन को लैंडस्केप मोड पे भी इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसका जो रोटेशन है उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर लैंग्वेज का। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन में लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिंदी का भी ऑप्शन है, सो हिंदी भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट स्केल। सो फॉन्ट स्केल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है उसके जो फॉन्ट्स है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेंज फॉन्ट। सो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। सो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जो अगर आपके फ़ोन में जो फॉन्ट फाइल है
TTF और OTF जो फॉन्ट फाइल होती है वो है, सो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सो यहाँ पे कोई भी जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। बाकी ये जो फीचर है ये सभी फॉन्ट्स में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन में फॉन्ट्स को चेंज करना है सो ये ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है कीप स्क्रीन ऑन। सो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे आप इनेबल करेंगे तो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्क्रीन है वो ऑलवेज टर्न ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि यूजफुल है वो है इम्प्रेसिव मोड। सो इसको आप इनेबल करेंगे सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन मोड पे इनेबल होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटस बार दिखाई देता है, ये जो स्टेटस बार यहाँ पे जो टाइम क्लॉक बैटरी वगैरह दिखाई देता है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। सो ये नेविगेशन और स्टेटस ये दोनों ही जो है हाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए जो कि यूजफुल है वो है मल्टी विंडो सपोर्ट। सो एप्लीकेशन में आप यहाँ पे मल्टी विंडो सपोर्ट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो कुछ एंड्रॉयड डिवाइस पे ये काम करता है, अगर आप एंड्रॉयड एन या फिर एंड्रॉयड ओरियो से ऊपर वाले वर्जन यूज़ कर रहे हैं सो यहाँ पे मल्टी विंडो का सपोर्ट आप इसमें एप्लीकेशन में इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे विंडो साइज। सो जो ये बेसिकली किसी एप्लीकेशन का जो साइज़ होता है विंडो साइज, यानी कि वो एप्लीकेशन फुल स्क्रीन ओपन हो रहा है या फिर उसका विंडो कितना साइज़ है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है उसके लिए भी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बैक आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है प्राइवेसी ऑप्शन। सो प्राइवेसी ऑप्शन में आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो क्या करना है, सिंपल आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे और भी ऑप्शन है सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन सिंपल ओके करना है सो पासवर्ड लग जाएगा। एंड यहाँ पे रिमूव परमिशन कर सकते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसमें से परमिशंस को अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे परमिशंस है जो कि आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं किसी परमिशन को, जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं देना है एप्लीकेशन को सो आप यहाँ पे इंटरनेट को अनचेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम डिफॉल्ट ही रखते हैं। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जो कि आपको इसमें चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यूजफुल फीचर है जो कि यहाँ पे है एक्सक्लूड फ्रॉम रिसेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे रिसेंट बटन टैप किया तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जो कि रिसेंट में रन हो रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये जो एप्लीकेशन रिसेंट से हटाना है तो यहाँ पे आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप रिसेंट बटन प्रेस करेंगे सो यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे वो बैकग्राउंड पे रन ज़रूर होगा। तो इस जो फीचर है इसका ये काम है, आप इसको इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन एक बार मॉडिफाई होने के बाद उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसका एप्लीकेशन दोबारा से इस तरह से क्लोन बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस पे जाते हैं, तो स्टोरेज ऑप्शंस में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इंस्टॉल टू एसडी कार्ड, इसको इनेबल करेंगे तो एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल होगा उसका जो भी डेटा होगा आउटपुट डेटा वो यहाँ पे एसडी कार्ड पे राइट होगा, एसडी कार्ड इंटरनल जो स्टोरेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में जो एसडी कार्ड है तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जो कि यूजफुल है वो यहाँ पे है क्लियर कैशे। सो क्लियर कैशे ऑन एग्जिट, सो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन के लिए सही रहता है, कुछ एप्लीकेशन के लिए सही नहीं रहता है। तो जब भी आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप क्लियर कैशे ऑन एग्जिट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब भी आपको ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं सो इसका जो भी कैसे डेटा होगा कलेक्टेड वो एग्जिट करने पे जो है क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी जो भी सेव होती है एप्लीकेशन के लिए यूज़ वाली वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप इसको यूज़ के अनुसार जो है आपको अलग अलग एप्लीकेशन के अनुसार इसको इनेबल और डिसेबल यहाँ पर कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लॉन्चिंग ऑप्शंस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव विजिट का ऑप्शन है। सो किसी एप्लीकेशन में अगर रिमूव जो विजिट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिमूव आइकन है, उस एप्लीकेशन का जो भी लॉन्चिंग आइकन आता है वो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्किंग ऑप्शन में कुछ जाएंगे, तो नेटवर्किंग ऑप्शन में आप उस एप्लीकेशन के जो नेटवर्क से यानी कि डेटा कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट होना है कब नहीं होना है, या फिर जो डेटा है उसको मोबाइल डेटा को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जो बैकग्राउंड डेटा है जो कि नोटिफिकेशन टाइम, जैसे कि कोई एप्लीकेशन रन होता रहता है बैकग्राउंड पे सो उसका जो भी डेटा यूज़ होता है ना वो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन है, सो नोटिफिकेशन के ऑप्शंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। एंड यहाँ पे है एक ऑटोमेशन, और ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक वाईफाई कंट्रोल का ऑप्शन है, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जैसे डाउनलोडिंग वाला एप्लीकेशन हो गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑटो टास्क कर सकते हैं
सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनेबल वाईफाई ऑन स्टार्ट। सो जैसे आप किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाईफाई है वो ऑन हो जाएगा। सो जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो ये सेटिंग है ऑन हो जाएगा। और इसी तरीके से आप और भी सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। एक है यहाँ पे जो है ब्राइटनेस के लिए है, सो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना ब्राइटनेस उस स्क्रीन पे चाहिए है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ इस एप्लीकेशन को यूजफुल फीचर्स। तो चलिए यहाँ पे हमने जो भी ऑप्शन थे यहाँ पे इनेबल कर लिए हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल अब क्या करना है, यहाँ पे जो राइट का बटन है राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा। सो यहाँ पे इस पॉपअप में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो अभी गूगल वाले एप्लीकेशन होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया और गूगल प्ले सर्वर जितने भी सभी एप्लीकेशंस होते हैं वो सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे सही से काम नहीं करेंगे। यानी कि कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे ये जो ऐप है सपोर्ट करता है गूगल के, क्योंकि यहाँ पे जो गूगल प्ले सर्विस रन होता रहता है तो यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन अगर आप गूगल का क्लोन बनाते हैं तो उसमें आपको एरर जरूर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये कुछ एरर है इस एप्लीकेशन का और बाकी ये सभी एप्लीकेशन भी ठीक से वर्क कर जाता है ज़्यादातर केसेस में। सो चलिए इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके बाद चलिए इसको हम देखते हैं डन होने के बाद। ओके तो अभी ये जो एप्लीकेशन है इसका क्लोन तैयार हो चुका है और यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है इंस्टॉल एप्लीकेशन का। तो चलिए इसको हम जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है जिसको हमने रीनेम किया था, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन है वो रीनेम्ड है एंड इसको इंस्टॉल करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। सो इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। ओके तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो गया है, इसको चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इस एप्लीकेशन को हमने वाईफाई का परमिशन दिया हुआ था तो यहाँ पे ये पूछ रहा है वाईफाई ऑन करने का, सो इसको हम अलाउ करते हैं एंड यहाँ पे ये जो वाईफाई है ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन में पासवर्ड लगाया था, चलिए इसको हम पासवर्ड फिल कर देते हैं एंड ओके करते हैं। सो ये जो देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये फाइल परमिशन है, सो इसको अलाउ करते हैं एंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। सो जैसा एप्लीकेशन था वैसा ही है और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन का जो नेम हमने चेंज किया था तो नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है और इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से आप भी जो अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे एप्लीकेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चलिए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे एमपीडी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ठीक से वर्क कर रहा है और यहाँ पे जो भी मैंने प्रोजेक्ट सेव किया हुआ था वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ठीक से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे आप भी जो है अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, बस वो जो गूगल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और ऐसे जो एप्लीकेशन जो कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन होते हैं वो उनमें से ना हो, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सही से काम करते हैं। सो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।